गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे कृतिका। कृतिका में चैप्टर सेकंड पढ़ रहे हैं, मेरे संग की औरतें। इसे मृदुला गर्ग ने लिखा है और वे अपने समय की औरतों के बारे में हमें जानकारी दे रही हैं कि उस समय की औरतें जो है कैसी होती थी। वे पहले हमें अपनी नानी से स्टार्ट करती हैं कि नानी के ज़माने से हमें बताती हैं कि मेरी नानी जो है कैसी, किस प्रकार की थी। नानी जो है पर्दा नसीन थी और उनके जो नाना जी थे वो भी पढ़े लिखे अफसर थे, लेकिन उनमें अफसरी बिल्कुल भी नाम मात्र की भी नहीं थी। और पर्दा नसीन होने के बाद भी उनके जो है खुले विचारधारा की थी। अपनी दादी के बारे में बताती हैं, अपनी बहनों के बारे में बताती हैं, अपनी माँ के बारे में भी बताती हैं। इस तरह वो अपने समय की औरतों के बारे में हमें जानकारी इस पाठ में दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो अपनी नानी से शुरुआत करती हैं कि उनकी नानी जो है किस प्रकार की थी। मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। मेरी नानी थी पर मैंने उसे कभी नहीं देखा था। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम तीन बहनों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। हम तीनों बहनें जो है कहानियाँ लिखते थे और नानी से कहानी भले ना सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी थी। हमने नहानी की कहानी सुनी थी कि हमारी नानी जो है किस प्रकार की थी, और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मतलब यहाँ पर लेखिका बता रही हैं कि उनकी नानी ख़त्म हो चुकी थी और नानी जो है किस प्रकार की थी। उन्होंने नानी से कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन नानी की जो है उनकी कैसी थी, नानी के बारे में वे जानती थी और उनकी कहानियाँ जो है उन्होंने सुन रखी थी। तो वो जो तीनों बहनें जो है वो लेखिका थी, और लेखिका जो है अपने बारे में अब अपनी नानी के बारे में जो है स्वयं लिखने लगी हैं और स्वयं अपनी नानी के बारे में लिख कर हमें बता रही हैं। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा नसीं औरतें थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। उनके जो पति थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ने चले गए और वहाँ से डिग्री लेकर आए और विलायती रीति रिवाज को उन्होंने अपनाया, लेकिन इसका असर मेरी नानी पर नहीं पड़ा। लेखिका हमें इस तरह बतला रही हैं। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, नानी का की कम उम्र में ही वे बीमार पड़ गई और अपने आप को वे मौत के करीब समझ रही थी। 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुझोर हो उठी और वे बोलने लगी, और नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हैं। और उन्होंने कहा, मैं आपके दोस्त प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती हूँ। सब दंग हैरान रह गए कि आज इसने कैसे बोल दिया। जिस पर्दा नसीं औरतें ने पराए मर्द से क्या खुद अपने मर्द से भी बात नहीं किया था, उस औरत ने आज किस तरह बातें की, और वो भी दूसरे के बारे में। आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है, ये जो है उनके पति सोचते रह गए। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत को समझा और सवाल जवाब में वक्त बर्बाद नहीं किया, और उन्होंने तुरंत जो है अपनी बीवी का कहना माना और अपने उनके हुजूर में अपने दोस्त को पेश किया। अब जो नानी ने कहा वो और भी हैरत अंगेज था, आश्चर्यजनक था। उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। उन्होंने उनसे वचन मांगा, मेरे मित्र से, कि आप मेरी लड़की के लिए वर तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमाबदार से हो, मतलब साहब के की जो आज्ञाकारी माने, ऐसे लोगों से शादी हो मेरी बेटी की, ऐसा मैं नहीं चाहती। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का विवाह जो है आज़ादी के सिपाही के साथ हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की
साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही, पर पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था, और उस और जिसकी जेब में पुस्तैनी पैसा धेला एक नहीं था, और माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें उतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जाग कर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। हमारी मतलब बेटी बहू जो है वो धोई पोछी और छत पर टांगने के जैसी ही है, और गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश भी नहीं की और किसी ने उन्हें छीके से उतारने की पेशकश भी नहीं की। क्यों नहीं कि उसकी दो वजह थी। पहली यही थी कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाली ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिबी ससुर का ही था। एक आनबान शान वाले साहब ने उनके सिर फरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी, उसके रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी और उनमें खूबसूरती, नजाकत और गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। वे सत्य को मानने वाली थी, इस तरह जो थी लेखिका की माँ थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे।